हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। ये एक्ने सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम एक और उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो एक्ने स्कार्स में काम आता है। इसका नाम है माइक्रोनीडलिंग या माइक्रोनीडलिंग विद पीआरपी थेरेपी। इससे पहले हमने एक्ने स्कार में काम आने वाले दूसरे ट्रीटमेंट्स के बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए हैं, ये उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो माइक्रोनीडलिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ नीडल से ट्रीटमेंट होता है, और जो नीडल्स होती हैं वो बहुत माइक्रो साइज की होती हैं। एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमने CO2 लेजर वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आपका जो स्कार्ड कोलेजन है हमें उसको रिमूव करना होता है या उसको कम करना होता है, और एक फ्रेश कोलेजन जनरेट करवाना होता है। तो आप ये समझिए कि जो भी मैकेनिज्म हम काम में ले रहे हैं वहां पर बेसिकली यही स्टेप हो रहा है कि स्कार कोलेजन को हटाना है और नया कोलेजन बनवाना है। CO2 लेजर में ये काम एनर्जी से हो रहा था, लेजर रेस से। TCA क्रॉस में ये काम केमिकल से, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहां माइक्रोनीडलिंग में ये काम मैकेनिकल इंजरी से हो रहा है, आप स्किन को माइक्रो ट्रोमा कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर इंजर कर रहे हैं ताकि स्किन दोबारा से हील हो और हील होने में फ्रेश कोलेजन बने, फ्रेश अरेंज्ड और जो हेल्दी कोलेजन। तो माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट एक डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें अलग अलग तरह की डिवाइसेज होती हैं, जिसमें एक जो सबसे सिंपल, जहां से ये स्टार्ट हुआ था, डर्मा रोलर जिसे हम कहते हैं, तो ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिसको हाथ में पकड़ के एक पर्टिकुलर एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो उसमें किसी पेशेंट में 4 पासेस, किसी पेशेंट में 8 पासेस, किसी पेशेंट में 12 पासेस, वो डिपेंड करता है पेशेंट की एक्ने स्कार की सीवियरिटी पर और एक्ने स्किन टाइप पर। तो उस डर्मा रोलर को रोल किया जाता है। तो उसी तरह से ये जो माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट है, ये भी एक एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में से एक है। एक्ने स्कार में हमने पहले भी बताया कि ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज को कंबाइन किया जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन में ही काम आने वाला ट्रीटमेंट है। लिमिटेड सेटिंग्स में डॉक्टर इसको अलोन थेरेपेटिक मॉडलिटी भी काम ले सकता है, अगर जहां पर लेजर फैसिलिटी नहीं है और दूसरे ट्रीटमेंट का फैसिलिटी नहीं है तो। अब इस माइक्रोनीडलिंग के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कि उसके साथ हम पीआरपी थेरेपी यूज करते हैं या एक माइक्रोनीडलिंग RF होता है जिसमें ऑटोमेटेड डिवाइस होती है। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसा बाकी प्रोसीजर ट्रीटमेंट्स में होता है, आप क्लिनिक विजिट करते हैं, फोटो सेशन होता है जिसमें आपके स्कार्स का फोटो लिया जाता है, उसके बाद आपको एक नमनेस के लिए क्रीम लगाई जाती है जिसको 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में आपके स्किन पर माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, डर्मा रोलर से ट्रीटमेंट करते टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो प्रेशर है, जो मैनुअल प्रेशर है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, मतलब रैंडमली अरेंज्ड नहीं होनी चाहिए कि अगर आप हॉरिजॉन्टल करते करते वर्टिकल चले गए, वर्टिकल चलते जाते जाते डायगोनल चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने अगर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टल कंप्लीट करना है, फिर आप वर्टिकल, एक पास वर्टिकल सेलेक्ट करना है तो वर्टिकल करना है, एंड देन डायगोनल, बोथ डायरेक्शंस। तो ट्रीटमेंट करते टाइम पर जो एंड पॉइंट होता है वो एक पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है। सेंसिटिव स्किन में हम एक रेडनेस को भी इंडिकेटर मान सकते हैं, हम वहां पर भी रुक सकते हैं, लेकिन बेस्ट इंडिकेटर जो होता है ट्रीटमेंट का एंड पॉइंट, वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है। अब इसी ट्रीटमेंट को डर्मा रोलर के बाद में, आज से 10 साल पहले की बात है जब डर्मा रोलर प्रचलन में थे, लेकिन पिछले 5 साल में माने तो डर्मा रोलर को रिप्लेस कर दिया डर्मा पेन ने। डर्मा पेन होते हैं वो मोटराइज्ड डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मूवमेंट होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो नीडल्स होती हैं वो स्किन में जाती हैं, बाहर आती हैं, जाती हैं, बाहर आती हैं। अब डर्मा पेन और डर्मा रोलर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डर्मा रोलर को जब आप, चाहे आपका प्रेशर यूनिफॉर्म है, आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, वो एंगल भी यूनिफॉर्म है, उसके बावजूद वो उसका नेचर है कि वो जिस तरह का डिवाइस है, वो जो डिवाइस जब स्किन पे रोल होता है तो जब वो
आगे बढ़ रहा होता है तो पिछले वाले जो इंजरी है उसको हल्का सा वाइड करते हुए बाहर निकलते, जबकि डर्मा पेन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि डर्मा पेन में वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। तो वहां ये एडवांटेज मिलता है कि आपका जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म हो गया, डेप्थ यूनिफॉर्म हो गई, आपको वो जो एक वाइडनिंग हो रही है निडल की इंजरी की बाहर निकलते टाइम डर्मा रोलर के निडल की, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि डर्मा रोलर में आप डेप्थ चेंज नहीं कर सकते। सपोज आपने अगर 1.5 mm का डर्मा रोलर लिया तो वो डेप्थ 1.5 mm ही रहेगी। जो डर्मा रोलर है वो डिफरेंट निडल साइज में आते हैं, 1 mm, 0.5, 1 mm, 1.5, 2 mm। डर्मा पेन में एक ही निडल के अंदर आप पेन में जो सेटिंग्स होती हैं उससे उस डेप्थ को चेंज कर सकते हो। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर स्कार थोड़ा डीप है तो आप डेप्थ बढ़ा सकते हो, आपको चाहिए कि यहाँ पर स्कार थोड़े सुपरफिशियल है तो आप डेप्थ घटा सकते हो, आपको चाहिए कि यहाँ पर स्कार नहीं है ओनली ओपन पोर्स है तो आप डेप्थ और रिड्यूस कर सकते हो, आपको चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है केवल स्किन रिजुविनेट कर दी है या मेरे को माइक्रो नीडलिंग करनी है तो आप बिल्कुल मिनिमम लेवल पर माइक्रो नीडलिंग कर सकते हो। तो डर्मा पेन आपको ये कंट्रोल देता है। तो डर्मा पेन ट्रीटमेंट को डर्मा रोलर ट्रीटमेंट से सुपीरियर माना जाता है यूनिफॉर्मिटी की वजह से और वेरिएशंस जो अवेलेबल है उसकी वजह, और जो अपने को चाहिए जो माइक्रो ट्रोमा चाहिए वो भी बिल्कुल एकदम प्रिसाइज्ड होता है। अब डर्मा पेन में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग क्लिनिक पर आपको अलग अलग तरह के डर्मा पेन मिलेंगे जिसमें चाइनीज, कोरियन और कुछ और स्टैंडर्ड डर्मा ओरिजिनल डर्मा पेन जैसे जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह की डिवाइसेज मिलती। थर्ड जो इसका मॉडिफिकेशन है जो पिछले 3 से 4 साल में प्रचलन में आया है जो उसको बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग RF, तो उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग भी हो रही है साथ में उन नीडल्स के जरिए, वो एक ऑटोमेटेड डिवाइस है कम्प्लीटली, उन नीडल्स के जरिए आपके स्किन को एक एनर्जी डिलीवर किया जा रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड, तो वो हीटिंग जनरेट करती हैं जो CO2 लेजर में भी हो रहा था। तो CO2 लेजर में आपको एब्लेशन भी मिलेगा यानी कटिंग भी मिलेगी प्लस हीटिंग भी मिलेगी, लेकिन माइक्रो नीडलिंग RF में ओनली हीटिंग होती है। तो यहाँ पर वो जो नीडल्स हैं, जो डिवाइस है वो नीडल्स अंदर भेजती है, उन नीडल्स के जरिए आपकी स्किन को एनर्जी डिलीवर की जाती है जिससे हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो टिश्यू है वो वापस से रीजनरेट करता है, इसको माइक्रो नीडलिंग RF कहते हैं। अब इन तीनों मॉडल्स में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव माइक्रो नीडलिंग RF है, माइक्रो नीडलिंग RF लेजर के बाद सेकंड नंबर पर आती है एफिकेसी के मैटर में, क्योंकि ये एक सेपरेट तरह का ट्रीटमेंट है, यहाँ जस्ट हमने इसका नाम मिलता जुलता है माइक्रो नीडलिंग RF तो इसलिए हमने मेंशन किया है। तो हम बात कर रहे थे कि डर्मा रोलर और डर्मा पेन की। अब इसमें मॉडिफिकेशन अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि नॉर्मल सिंगल माइक्रो नीडलिंग कम है, उसके साथ में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पर PRP थेरेपी को कंबाइन किया जाता है। PRP थेरेपी आपके ब्लड से ही, आपके ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा को सेपरेट करके एंड देन उसमें से प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है, फिर उसको कंसेंट्रेट करके वापस से आपकी स्किन पर या तो अप्लाई किया जाता है या इंजेक्शन की फॉर्म में स्कार टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। तो माइक्रो नीडलिंग के साथ करने का एडवांटेज ये होता है कि PRP जब आप अप्लाई करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है, उसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी टारगेटेड हो जाती है कि हाँ जहां हमें चाहिए वहां PRP मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचा है। PRP का एक एडवांटेज ये हो रहा है कि जब माइक्रो नीडलिंग के बाद स्किन वापस हील हो रहा होता है, जो हीलिंग प्रोसेस होता है उस टाइम PRP एक तरह से न्यूट्रिशन का काम करता है, इसलिए भी इसको इसके साथ कंबाइन किया जाता है। PRP को अलोन ट्रीटमेंट भी काम में लिया जा सकता है, माइक्रो नीडलिंग के साथ भी काम में लिया जा सकता है। एंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि रेडनेस या फिर पिन पॉइंट ब्लीडिंग, जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होता है एक्ने स्कार्स में। ट्रीटमेंट की जो एग्रेसिवनेस है वो डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट के एक्ने स्कार के ऊपर या पेशेंट की स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो माइक्रो नीडलिंग है उसका एग्रेसिव लेवल है वो कितना हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद में एक हल्का सा आपको रेडनेस और एक हल्की सी सूजन चेहरे पर देखने को मिलती है जो 2 से 3 घंटे रहती है, उसके बाद वो सूजन चले जाती है, यानी डाउन टाइम के लिए आप मैक्सिमम 6 to 12 hours मान सकते हैं, इससे ज्यादा डाउन टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट डे आप अपना नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। तो CO2 लेजर की तरह इसमें वैसा 5 से 7 दिन वाला डाउन टाइम नहीं होता। रिजल्ट्स में
तो यूजुअली 4 to 6 सेशंस, अगर अकेले आप केवल माइक्रो नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग पीआरपी थेरेपी करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम 4 से 6 सेशंस आपको चाहिए। दूसरे या तीसरे सेशन से आपको चेंजेस जिसमें नजर आने लगते हैं। अगर आपकी जो माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है अगर वो बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि एक सेशन में भी आपको चेंजेस नजर आ जाए। यूजुअली ट्रीटमेंट्स को कंबाइन ही काम में लिया जाता है। तो जो हम है, जो हमारा कंसेप्ट है, उसमें हम CO2 लेजर के बीच में माइक्रो नीडलिंग पीआरपी थेरेपी को रखते हैं ताकि जो CO2 लेजर की हीलिंग है वो और इंक्रीज हो सके, प्रमोट हो सके। जो पीआरपी थेरेपी है एज ए न्यूट्रिशन काम करता है, प्लस माइक्रो नीडलिंग फर्दर कोलेजन रिमॉडलिंग को एस्केलेट कर सकता है। पेन जनरली माइक्रो नीडलिंग में एक नमनेस क्रीम लगाने के बाद माइक्रो नीडलिंग में पेन नहीं होता, लेकिन अगर हाँ पीआरपी थेरेपी में अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पीआरपी थेरेपी 2 मेथड से अप्लाई की जा सकती है। अगर या तो माइक्रो नीडलिंग जहाँ हुआ है वहां पर उसको अप्लाई कर दीजिए, या उसको इंजेक्ट कर रहे हैं तो अगर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा पेन महसूस हो सकता है। बाकी माइक्रो नीडलिंग में आप कंफर्टेबली नमनेस के बाद करवा पाते हैं, उसमें पेन नहीं होता। साइड इफेक्ट्स में अगर एक्सपर्ट हैंड के थ्रू माइक्रो नीडलिंग की गई है तो जनरली एक रेडनेस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रेडनेस भी 6 to 12 आवर्स रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अगर करने वाला पर्सन क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो जो स्पेशली डर्मा रोलर के साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो जिस डायरेक्शन में आपने उसको रोल किया है और बहुत एग्रेसिवली अगर आपने उसको रोल कर दिया तो उसके मार्क्स रह जाते हैं। वो मार्क्स ठीक भी हो जाते हैं वापस, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए फिर वो थोड़ा सा डाउन टाइम वाला इश्यू हो जाता है। इसके अलावा और कोई इसमें जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों ये एक और प्रोसीजरल ट्रीटमेंट वीडियो है जिसमें आपको एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिली होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी आपके ट्रीटमेंट करवाने से पहले। एक्ने स्कार के प्रोसीजर्स के जो वीडियोज हैं जो हम उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर टू डॉक्टर हल्के फुल्के वेरिएशंस हो सकते हैं, तो आप इन वीडियोस को एक पत्थर की लकीर मानकर अपने डॉक्टर के साथ उस तरह से बात ना करें। डॉक्टर के अपने खुद के वेरिएशंस हो सकते हैं, जो काम करने का जो डिवाइस यूज में ले रहे हैं वो डिवाइस अलग हो सकती है, मेथडोलॉजी अलग हो सकती है हल्की फुल्की। हमारा पर्पज ये है कि आपको एक बेसिक जानकारी मिले उस ट्रीटमेंट के बारे में, और ताकि आप पैनिक ना हो और जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाए उससे पहले आपके पास एक फुल इंफॉर्मेशन हो। और साथ में हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दें, स्पेशली एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट्स में, कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज जानना चाहते हैं और किसी चीज पर वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें कोशिश करेंगे पीआरपी थेरेपी पर भी आपको अलग से वीडियो बनाकर बता सकें कि पीआरपी थेरेपी क्या होती है स्पेशली फॉर एक्ने स्कार्स। और एक MNRF पर मैंने आपको बताया कि हम उस पर अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि MNRF क्या होता है, क्योंकि वो भी बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा फिलर ट्रीटमेंट है एक्ने स्कार्स के लिए जो इमरजेंसी में काम में लिया जाता है, और लेकिन वो टेम्परेरी होता है, तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे। और एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें हम मिसलेनियस ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।